जब भी कोई अच्छी मूवी बनती है ना तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। अब जैसे शमशेरा का टीजर आया, ट्रेलर आया, तो जैसे इसका पूरा ट्रेलर आ गया तो लोगों ने यार इतनी सारी थ्योरी बनानी चालू कर दी ना, ये इस मूवी से कॉपी है, इसका लुक यहाँ से कॉपी है, इसका ये सीन यहाँ से कॉपी है, कई सारी बातें। तो भाई साहब कोई अच्छी चीज आती है तो उसको यार प्रोत्साहित करो, उसको और डाउन करने की कोशिश मत करो। उदाहरण के तौर पर आप रणबीर कपूर का ये लुक देखिए शमशेरा फिल्म से, अब लोग बोल रहे हैं कि ये KGF से लिया गया लुक है, क्योंकि KGF में भी ऐसे ही सिर पे पट्टी सी बांध रखी थी यश ने, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि ये कॉपी है। और अब ये देखिए जो फर्स्ट लुक सामने आया था शमशेरा का, जो एक पोस्टर लीक हुआ था, अब ये देखिए, और जो ये थोर का देखिए जो पोस्टर है, अब इसको भी लोग कॉपी बोल रहे हैं। अब ये बात कौन डिसाइड करेगा कि पहले थोर का पोस्टर आया था कि पहले शमशेरा का पोस्टर बन गया था, कौन डिसाइड करेगा अब ये बात? लोग हर एक बात को यार इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं, इतना मतलब क्यों लोग कहते हैं कि ये कॉपी है, अपने लोगों पर क्यों भरोसा नहीं है, मुझे तो यही समझ नहीं आती। ठीक है हम सबसे ज्यादा रिमेक बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई साहब, हम बना रहे हैं रिमेक, हक से बोल रहे हैं कि हाँ बॉलीवुड रिमेक बना रहा है, और बॉलीवुड इंस्पिरेशन भी उठा रहा है, कभी साउथ से उठा रहा है, कभी हॉलीवुड से उठा रहा है, ठीक है सही है चलेगा, पर ये नहीं कि हर कोई ही करप्ट हो बॉलीवुड में। कई लोग अच्छा कंटेंट बनाना जानते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना जानते हैं। दुनिया भर में साल भर में ना जाने कितनी फिल्में बनती हैं, हर छोटे ब्रांड से लेके बड़े ब्रांड तक, छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक, आप कैसे डिफाइन करोगे कि हर मूवी में कोई ना कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी? होगी भाई साहब, हर दूसरी मूवी में किसी का कैमरा एंगल जो शूट किया होगा वो सेम होगा, किसी की लुक लगभग सेम होगी, किसी की स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती होगी, किसी की पूरी स्टोरी मिलती होगी, किसी का एक्शन सेम होगा, किसी का मेकअप, किसी का कॉस्ट्यूम लगभग मैच करते होंगे। तो ऐसा होता है, लगभग चीजें कई कई ऐसे मैच कर जाती हैं। तो भाई कई बार स्टोरी की डिमांड होती है, जो डायरेक्टर ऑडियंस को दिखाना चाहता है उस हिसाब से भी चीज़ों को सेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कॉपी करने वाला हो, ऐसा नहीं होता। तो पहले जब रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया तो उसमें भी लोगों ने बोल दिया कि नहीं यार ये तो वोंडा की कॉपी है, ये थोर का लुक है, ये एरो की कॉपी है, कितने सारे जितने भी दुनिया में सुपर हीरो हैं उन सब की कॉपी आपने बोल दिया ब्रह्मास्त्र के कैरेक्टर को। ऐसा थोड़ा ना होता है, ब्रह्मास्त्र मूवी कब की बनी हुई है, वोंडा का जो विच वाला कैरेक्टर वो तो हमें अब देखने को मिला ना, इंस्पिरेशन उठाना अलग बात है, कॉपी करना अलग बात है भाई साहब, ऐसा मत करो यार। जब कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अपने सिनेमा को ऊपर उठाएं, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, तो उसको प्रोत्साहित करो, उसको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो भाई साहब। आप शमशेरा के CGI के बारे में बोल लो, उसके विजुअल इफेक्ट जो है, उसके एक्शन के बारे में बोल लो, जो कमियां निकालनी है यहाँ आप निकाल सकते हो, पर आप ऐसा बोल दो कि हर एक पोस्टर, हर एक सीन उसका, हर एक लुक, लोकेशन सब कुछ अगर आप कॉपी बोलोगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। बहुत मेहनत लगती है कई फिल्में बनाने में, और ये मूवी तो वैसे भी काफी टाइम से फंसी हुई है कोविड की वजह से। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ साउथ मूवी का ही। पुष्पा फिल्म अभी तक लगभग बन गई होती, पर KGF 2 देखने के बाद उनके डायरेक्टर ने लगभग पूरी स्टोरी चेंज कर दी, और अब वो और बड़े लेवल पे इसका क्लाइमैक्स बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक विलन यहाँ तक बढ़ा दिया इस मूवी में ताकि ऑडियंस को और ज्यादा मजा आए, KGF वाली वाइब उनको देखने को मिले। तो समझ रहे हो ना, इंस्पायर हुआ है। अगर आपको कुछ रलता मिलता आप पुष्पा 2 में दिख जाएगा KGF जैसा, तो आप उसको कॉपी होना बोलोगे, इंस्पिरेशन बोलोगे भाई साहब। तो उसी तरह की चीजें होती हैं सिनेमा में, हर सिनेमा में होता है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता। तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो, जो अच्छी चीज है उसको प्रोत्साहित करो, जो बुरी चीज है उसको भर भर के क्रिटिसाइज करो, कोई बात नहीं। होप आप समझ गए होंगे, आपके जो भी विचार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई साहब अच्छी मूवी है, प्रोत्साहित करो, 22 जुलाई को आएगी, सब देखने जाएंगे, मौज करेंगे, बाद में आपको रिव्यू देंगे कि मूवी आखिर है कैसी, तब आपको जो बोलना होगा बोल लेना। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।